अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जैनब, जी वालेकुम गायनेकोलॉजिस्ट अस्सलाम। एंड इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। वेलकम टू माय शो इन हेल्थ एंड एजुकेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट आने पर माजरत, क्योंकि हमारी जो है वाईफाई कनेक्शन लॉस हो गया ड्यू टू बिजली की तरसील बंद हो गई थी गाड़ी में। तो मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने गेस्ट का, और मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर शहजाद अहमद, ये कंसल्टेंट हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें हम अपनी जबान में कहते हैं कि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और दिल के माहिर इमराज दिल हैं, यानी कि वो वाला दिल जो असली वाला होता है, मोहब्बत वाला दिल नहीं। तो ये दिल के माहिर हैं। तो आपको आपको अपने दिल से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो हम चलेंगे अपने इस आगाज करेंगे अपने शो का। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया। आजकल आप शायदा इस्लाम में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं चाहूंगी कि आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन स्टिल डिटेल में थोड़ा सा शुरू से बताइए कि कहाँ से आपने एजुकेशन शुरू की और कैसे आप डॉक्टर बने, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल सके। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैनब। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लोधरा से है और मेरी बेसिक एजुकेशन और स्कूलिंग भी लोधरा शहर से ही है। उसके बाद एफएससी मैंने एसी कॉलेज बहावलपुर से की है और मेरी ग्रेजुएशन यानी एमबीबीएस मेरा जो है वो कायद अजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से है। उसके बाद मैंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग कार्डियोलॉजी में बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर से और इसका कुछ पोर्शन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से किया। 2017 में मैंने एफसीपीएस किया। उसके बाद मैंने एज सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में और कार्डियक सेंटर बहावलपुर में तकरीबन 2.5 साल तक काम किया। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि एडवांस एंजियोप्लास्टी और बगैर ऑपरेशन जो वेल्व खोलने के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें फर्दर ट्रेनिंग के लिए तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची में फेलोशिप के लिए मैं 2020 और 2021 में मैं वहाँ पर रहा। वहाँ से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 8 माह तक मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पे राय मेडिकल कॉलेज सरगोधा में काम किया और करंटली अभी 2 सितंबर को मैंने शायदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया। इसके अलावा मैंने इसी दौरान 2016 से ऑनवर्ड मेरी एक एफर्ट जो चल रही थी कि हमला खवातीन में जो दिल के अमराज होते हैं उसके मुतालिक मेरी तहकीक और मुतालिया के बाद एक किताब मैंने मुरतब की जो कि 2021 में पब्लिश हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें भी तजर्बा है और करंटली जो मैं यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी शाम में बहावलपुर में कर रहा हूँ तो उसमें अपने क्लिनिक पर ये भी लोगों को सहूलत मुयसर है कि अगर इस तरह की खवातीन जो हमल के दौरान जिनको पता लगे या उससे पहले जिनको मालूम हो कि हार्ट का मसला है और वो हमल के बारे में प्लान कर रहे हो तो वो हमसे मशवरा कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले अपनी पोस्ट में भी बताया है कि आप के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं तो इंशाल्लाह हम और आप मिलकर ऐसे लोगों की खिदमत के लिए बेहतर कोशिश कर सकेंगे। माशाल्लाह, आप आपका जो जर्नी है वो बहुत लंबा है, जिसको आपने, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर देना। तो एक जी लोधरा शहर से आपने स्टार्ट लिया, और ये सारी जो आपने इतना लंबा सफर काटा। आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो शॉर्टकट्स के चक्कर में रहती है। क्या आपको लगता है कि छोटे मोटे डिप्लोमे करके या छोटे मोटे कोर्सेज करके, मैट्रिक या एफएससी के बाद, उस लेवल का इंसान एक्सपर्ट बन सकता है जो कि हमारे हमारी एमबीबीएस की पहले 5 साल की एजुकेशन होती है, फिर 4 साल एफसीपीएस की, फिर उससे भी ज्यादा आपने एक्स्ट्रा भी डिग्रीज ली। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस नौजवान नस्ल को जो शॉर्टकट्स के चक्कर में? हाँ शॉर्टकट्स ऑफ कोर्स अगर सिर्फ पोस्ट एमबीबीएस की ही बात कर ली जाए तो जो लोग डॉक्टर बनते हैं ऑफ कोर्स अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ चंद डिप्लोमा कर लेने से साल 2 साल की ट्रेनिंग कर लेने से शायद लोगों को कंपटीशन में भी अब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी अहम चीज़ जहाँ तक स्किल्स की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हर गुजरता दिन जो ट्रेनिंग का होता है वो आपकी स्किल्स में और आपकी कैपेबिलिटीज में और आपके नॉलेज में इजाफा करता है। तो डेफिनेटली जी मैं खुद को ये फील करता हूँ कि कराची जाने से पहले जिस लेवल पे मैं था और जो मेरी सोच और जितना एक ब्रॉड मेरा विजन था कराची जाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा मतलब ट्रेन हो गई और रिफाइन होकर
अब जाहिर सी बात है, जिस अंदाज में अब मैं मरीजों की खिदमत कर सकता हूँ और पेशेंट्स को इवेलुएट करना और उनको डिसीजन मेकिंग, वो डेफिनेटली हर गुजरता दिन जो ट्रेनिंग का है वो उस पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल सर। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट, आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे मुल्क में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की शरह बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप जरा मुख्तसर सी रोशनी डालें कि इसकी क्या वजूहात हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। अब इसमें एक तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक तो हर गुजरते दिन के साथ हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का जो तनासुब है वो बढ़ता जा रहा है, और पर्टिकुलरली मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन और करूँगा कि पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में यंगर पॉपुलेशन में अब हार्ट और ब्लड प्रेशर के मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसको अगर एक मुख्तसर, वैसे तो एक अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन चलें कुछ मुख्तसर सी बात यूं कर लेते हैं। एक जनरल सा आइडिया मैं दे देता हूं कि देखें हमारी जो टोटल जो पिछली जनरेशन को देखें और अब की जनरेशन को देखें तो ये दो जनरेशन के दरमियान आपको लाइफस्टाइल का टोटल एक डिफरेंस नजर आएगा। एक एक बिल्कुल 180 के एंगल पे है हमारी, हमसे जो पिछली जनरेशन है जो 70s जी 80s में अपनी जवानी की उम्र को पहुंच रही थी और जो आप अपनी जिंदगियां मतलब एल्डर लाइफ तक पहुंच चुके हैं 60-70 की उम्र तक, तो आप देखेंगे पैदल चलना और साइकिल चलाना उनकी रूटीन थी। बिल्कुल जबकि हमारा बिल्कुल आज का बच्चा जो है, जबकि हमारा आज का जो बच्चा है वो मोटरसाइकिल, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको लेके मोटरसाइकिल पकड़ा देते हैं तो वो उसकी जो बिल्कुल एक्टिविटी है वो खत्म हो गई। और दूसरा ये आउटडोर गेम्स की बजाय अब इंडोर गेम्स, जिस तरह के मोबाइल की तरफ और कंप्यूटर की तरफ बच्चों का रुझान ज्यादा हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो एक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो है इन अर्ली लाइफ वो एक रोल प्ले कर रही है कि हार्ट का प्रॉब्लम अर्ली एज में प्रेजेंट कर रहा है और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी इसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है और जंक फूड का रिवाज जो बढ़ गया है, एक्टिविटी ना होने और जंक फूड के ज्यादा इस्तेमाल जैसे पिज्जा बर्गर इन चीजों के ज्यादा इस्तेमाल ने ओबेसिटी लेवल को बढ़ा दिया है। तो जाहिर सी बात है ये चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट के मसाइल को बढ़ाने में और ब्लड प्रेशर के मसाइल को बढ़ाने में। और जहां तक आपने बात की कि इनसे कैसे बचा जा सकता है तो डेफिनेटली ये मैं समझता हूँ बतौर एक हार्ट स्पेशलिस्ट कि ये हमारी नेशन के लिए इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए कि हार्ट के मसाइल जिस तनासुब से बढ़ रहे हैं, आप 25-30 साल के बंदे को भी अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो एक प्रोडक्टिव लाइफ होती है उसमें वो मुख्तलिफ डॉक्टरों की कंसल्टेशन, इलाज के मुख्तलिफ मराहिल और दवाइयाँ लेने और खाने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है। तो डेफिनेटली इनसे बचने का सिंपल और आसान तरीका यही है कि अपनी ज़िंदगी को एक्टिव बनाएं, हेल्दी डाइट लें और अपनी स्लीप हैबिट्स, पर्टिकुलरली ये बात भी अब रिसर्च प्रूवन है, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि एक नॉर्मल यानी 6 से 8 घंटे की या इससे भी थोड़ा ज़्यादा नींद जो है, पुरसकून नींद, वो हार्ट के प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली सिर्फ 24 घंटे में, 6 से 8 घंटे का दौरानिया ही मैटर नहीं करता, डेफिनेटली इसका जो एक नॉर्मल टाइम है कि रात तकरीबन 10, 10:30, 11 बजे के बाद से लेके सुबह 5:30, 6 बजे तक का जो टाइम है इसके दौरान जो स्लीप है वो बाकी टाइम ड्यूरेशन में अगर आप 6 से 8 घंटे बल्कि 10 घंटे की भी किसी को नींद दे दें तो वो उस रिस्क को कम नहीं करता। तो डेफिनेटली जो एक नॉर्मल टाइम कुदरत ने नींद करने के लिए बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उस डायरनल पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो ये चंद एहतियातें हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट जिसमें कि फ्रेश फ्रूट सब्जियों का तनासुब ज्यादा हो, गोश्त वगैरह बर्गर पिज्जे बोतलें वगैरह ये कम हो, और दूसरा ये है कि अपनी नींद की आदत को करेक्ट करना और थोड़ा अगर कोशिश कर सकें कि अपनी जिंदगी की टेंशन को मैनेज करने की कोशिश करें, हर चीज को अपने जहन के ऊपर सवार ना रखें, कुछ चीजों को तकदीर और अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें तो मेरे ख्याल में इन चीजों से हम काफी हद तक निमट सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है और ख्वातीन और हज़रात दोनों की तरफ से आता है। और हमारे यहाँ लोगों का आम मिथ ये है कि जी फलाने ने सदमा लिया, फलाने ने टेंशन ली तो वो दिल का मरीज बन गया। तो इसमें जी कितनी हकीकत है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी उसका दिल अचानक हरकत करना बंद हो गया और वो जी उसकी वहीं डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई। अब समझ नहीं आती कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस, इंसान को जिंदा रहने के लिए, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए
अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, अगर हम बिल्कुल ही टेंशन लेना छोड़ दें तो इंसान तो शायद उठे ही ना बेड से। तो एक होता है मामूली थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने रूटीन के काम करने के लिए हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है। अब एक होता है कि कुछ ख्वातीनों हजरात बिला वजह की सोचें पाल लेते हैं, यानी कि आपका उनसे मतलब नहीं है लेकिन वो आप कंटिन्यूस आपके माइंड को स्ट्रेस कर रहा है, उसमें ये सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज भी शामिल है। तो आपका क्या, आपकी रिसर्च ये क्या कहती है कि क्या वाकई टेंशन लेने से दिल के अमराज बढ़ते हैं? हाँ, डेफिनेटली इसमें स्ट्रेस का तो रोल हो सकता है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस है तो उसमें बॉडी के अंदर आपको भी मालूम है कि बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कि दिल के रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ दिल की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो बाकी यह है कि एक चीज होती है जिस तरह आपने जिक्र किया कि किसी को अचानक से एक सदमा हुआ तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ डिजीज का प्रोसेस चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को एकदम से कोई लाइफ में स्ट्रेस आई, खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में, जिस तरह है खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे की या बच्ची की डाइवोर्स हो गई या किसी की अचानक से नौजवान बच्चे बच्ची की डेथ हो गई, तो ऐसी सूरत में जो एकदम से सदमा आता है उसमें किसी को हार्ट अटैक हो गया, जब हम उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि मल्टीपल जगहों पे डिजीज मौजूद है। तो डेफिनेटली वो डिजीज या एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज जिसको आप कहते हैं, तो आप भी बतौर डॉक्टर बहुत अच्छी तरह इस बात को समझती हैं कि वो इस तरह एकदम सदमा लेने से पैदा नहीं होती। वो तो ये है कि पहले से एक डिजीज प्रोसेस चल रहा है। हाँ, एकदम से जो एक स्ट्रेस आया है उसने प्रोवोक किया है एक एक्यूट इवेंट को, कि जो पहले से एक डिजीज जो है वो कंपनसेटेड फेज में चल रही थी, अब एकदम से जो स्ट्रेस फैक्टर आया उसने एक इवेंट प्रोवोक कर दिया। जस्ट लाइक किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसने हॉस्पिटल आना है, डॉक्टर की अटेंशन लेनी है, तो उस दौरान फिर फर्दर वर्कअप में ये निकलता है कि उसको डिजीज प्रोसेस काफी वाइड स्प्रेड है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस डेफिनेटली अपना रोल प्ले करता है हार्ट के प्रॉब्लम को बढ़ाने के। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में आपकी बात बिल्कुल बजा है। आजकल हम देख रहे हैं कि एज अ गायनाकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रेगनेंसी में भी हार्ट डिजीज की शरह बढ़ गई है। बहुत सी खवातीन हमारे पास आ रही हैं और कुछ तो इस कदर कंडीशन सीरियस में आती हैं कि उनकी लाइफ सेव करना मुश्किल हो जाती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन कौन सी हार्ट डिजीज है जो सबसे ज्यादा कॉमन है और उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, हमारी आम ऑडियंस को कैसे समझ आएगी खास तौर पे खवातीन को कि प्रेगनेंसी में उनको दिल की तकलीफ होने जा रही है, क्या अलामत होंगी और कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर तो गायनी की डॉक्टर के पास भी कम जाती हैं, 8वें 9वें महीने एंड पे जाके चेक करवाती हैं। तो क्या शुरू में कुछ ऐसी अलामत हैं जिनसे हम दिल की तकलीफ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पकड़ सकते हो? जी, आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन उठाया और जिस तरह मेरा फील्ड ऑफ एक सब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं इसको, कि इस पर मैंने एक बुक भी लिखी, तो डेफिनेटली इस पर मैं थोड़ा खुल के भी बात करूंगा। ऑलमोस्ट 4 से 5% प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो कि कम्प्लिकेट होती हैं विद हार्ट प्रॉब्लम। अब इसमें जहाँ जी तक मोस्ट कॉमन की बात की जाए तो एक तो हम बात कर सकते हैं, मेरे ख्याल में दो एंटिटीज पे मैं बात करना चाहूंगा। एक तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कॉमनली आप भी बखूबी जानती हैं और बतौर एक गायनाकोलॉजिस्ट आप फ्रीक्वेंटली इस चीज को फेस भी करती होंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के साथ बहुत सारी खवातीन आपके पास रिपोर्ट बिल्कुल करती होंगी। तो एक तो ये बहुत एक आम सी बीमारी है जो कि खवातीन में हो सकता है पहले से मौजूद हो और वो अनडिटेक्टेड चली आ रही हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई उसमें अलामत नहीं होती। वो फिर इसी सूरत में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में या प्रेगनेंसी के दौरान जिस वक्त रूटीन चेकअप के लिए खवातीन जाती हैं तो उस वक्त वो सामने आता है। दूसरा ये है कि इटसेल्फ प्रेगनेंसी की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जो कि कार्डियोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट का एक मुश्तरका डोमेन है जहाँ पे दोनों मिलके काम करें तो मरीज की बेहतरी के लिए बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। और दूसरी जो अहम चीज जो हमारे मुल्क में और हमारे इलाकों में खास तौर पे जो कॉमनली एज कार्डियोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि एक वेल्व का जो तंगी है जिसको हम अपने टेक्निकल टर्म में माइट्रल स्टिनोसिस कहते हैं, तो ये एक वेल्व बिल्कुल होता है दिल का जो कि तंग हो जाता है। ये बेसिकली प्रेगनेंसी से पहले तंग होता है लेकिन
इसकी अलामत नहीं आ रही होती। तो जिस वक्त खातून प्रेग्नेंट होती है तो जाहिर सी बात है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, आपको मालूम है कि उसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और कुछ पेरिफेरल रेजिस्टेंस से रिलेटेड फैक्टर्स ऐसे होते हैं। ये बातें जो मैं टेक्निकल कर रहा हूँ जाहिर सी बातें आम लोगों की समझ में नहीं आएंगी, तो मैं इनको सादा करने की कोशिश करूंगा कि ये सारे फैक्टर मिला के जो प्रेगनेंसी इंड्यूस स्ट्रेस यानी जो नेचुरल जो स्ट्रेस है और बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वो फिर अलामात को जाहिर कर देती हैं। तो माइट्रल सिनोसिस के साथ भी बहुत सारी खवातीन जो पहले से अनडिटेक्टेड होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेजेंट करती हैं। अब इसमें ये है कि खवातीन को कैसे पता चले या उनको किस स्टेज पर जाना चाहिए। अब एक तो ये है कि जिन खवातीन को पहले से कोई दिल का मसला हो, हमारे यहाँ तो शायद इसकी रेशियो कम हो, जो जिनको हम कहते हैं कि पैदाइशी डिफेक्ट्स, हमारे यहाँ शायद इनकी रेशियो कम हो और हमारे यहाँ इनका क्योंकि आउटकम अभी सर्जरीज वगैरह भी अभी बहुत स्टेज पीछे हैं। हाँ, बहुत से बाहर के मुल्कों में ऐसी खवातीन बहुत ज्यादा हैं जिनको पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं और वो करेक्टेड होते हैं, तो उनको पहले से मालूम होता है कि हमारा ये मसला था जिसकी सर्जरी हो चुकी है और अब वो यंग एज पर पहुंचकर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो उनको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए कि उनका वो अपना रिस्क जान सकें कि भाई उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या मसाइल हो सकते हैं और दूसरा ये कि उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम होने का कितना चांस है। जहां तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है तो अगर किसी खातून को पहले से मालूम है कि वो ब्लड प्रेशर की मरीजा है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, या बिलफर्ज हम यूं कह लेते हैं कि पिछली प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी खातून को ब्लड प्रेशर का मसला रहा है तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, गायनाकोलॉजिस्ट से भी और कार्डियोलॉजिस्ट से भी, कि वो प्रेगनेंसी के वक्त क्या क्या एहतियातें करे और अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करे। और पर्टिकुलरली ऐसी खवातीन जो पहले से ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट पर होती हैं उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसन्स को कार्डियोलॉजिस्ट से रिव्यू कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसन्स ऐसी हैं जो कि अगर शुरू के दिनों में जब प्रेगनेंसी होती है तो पहले 2 से 3 महीने में अगर वो दवा चलती रहे तो बाज़ औक़ात बच्चे में खराबियां पैदा होने का अंदेशा होता है। तो ये तो बात उन खवातीन के लिए होगी जो पहले से जिनको मालूम हो कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। अब एक ऐसी खातून जिसको पहले से ब्लड प्रेशर का मालूम नहीं है, वो अगर विजिट करती है किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट को पेरीफ्री पे या किसी टर्शरी केयर पे, तो अगर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा मालूम होता है तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि वो गायनाकोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ हम आगे के साथ दोनों चलें और उसके लिए बेहतर कोई रास्ता निकालें और उसका एंड तक प्लान करें कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी दवा देनी है, ब्लड प्रेशर का लेवल क्या रखना है और आखिरी हफ्तों में डिलीवरी किस वक्त करनी है, किस दवा को किस वक्त स्विच करना है। तो डेफिनेटली ये कंप्रीहेंसिव प्लान उसके लिए चाहिए होता है। दूसरा जो गायनाकोलॉजिस्ट के लिए बात अहम हो सकती है वो ये है कि अगर कोई खातून जो कि आपके पास अर्ली वीक्स में आती है, बिलफर्ज पहले 3 से 4 हफ्तों में या 6 हफ्तों में अगर वो आपके पास प्रेजेंट करती है और आप उसका रिस्क जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर इस खातून को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर होने का कितना चांस है, तो वो बेसिकली हम जो कार्डियोलॉजिस्ट लोग हैं वो 10 से 12 हफ्ते की जिस वक्त प्रेगनेंसी हो चुकी होती है अगर ऐसी खातून को हमारे पास रेफर किया जाए तो हम उसको कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके जरिए हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि इस खातून का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर होने का चांस कितना है और इसका जो बेबी है जिसे आप कहते हैं स्मॉल स्मॉल फॉर एज बेबीज और लार्ज फॉर एज बेबीज, तो उसका भी इवन हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी खवातीन जो है उनके बच्चे वजन में कम पैदा होंगे अपने नॉर्मल वेट से और किन के बच्चे वजन में ज्यादा पैदा होंगे एज ए कम्प्लीकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये प्रेगनेंसी के शुरू में 10 से 12 हफ्तों के टाइम के ऊपर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक माइटल सही सिनोसिस का ताल्लुक है तो माइटल सिनोसिस जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में अगर सामने आता है तो उसमें अलामात डिसाइड करेंगी कि कितनी एक अलामात हैं। अगर तो कुछ दवाओं के साथ हम उस खातून को चला सकें और वेल की सिवेरिटी भी फिर जाहिर सी बात है इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, तो अगर तो खातून की अलामात बहुत ज्यादा हो तो उसमें फिर इंटरवेंशन की जा सकती है कि वेल्व को खोला जा सकता है और इसमें 24 से 28 हफ्ते का जो टाइम प्रेगनेंसी का है वो ज्यादा अहम होता है कि इस दौरान हम प्रोसीजर सेफली कर सकते हैं। और फिर अगर हम फुल टर्म तक प्रेगनेंसी को ले जा सकें तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी खातून में कार्डियक सर्जरी इंडिकेटेड है तो एक ही एनेस्थीजिया में
सी सेक्शन भी कर सकते हैं, और उसका साथ ही वेल्व रिप्लेसमेंट अगर करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। बाकी ये कि जहां तक ताल्लुक है कि खवातीन को अलामत क्या होंगी जिनकी वजह से उनको लगे कि उनको एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, तो डेफिनेटली उसमें सांस का बहुत ज्यादा फूलना, कि जरा सा भी खातून अगर चलती है घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक तो सांस इतना उखड़ जाता है कि वो मजीद काम करने से कासिर है, और वो उसको बैठना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, चंद मिनट के बाद उसका सांस बेहतर होता है, तो ये एक अलामत हो सकती है। पैरों पे सूजन बहुत सारी खवातीन को आप भी जानती हैं प्रेगनेंसी में नॉर्मली आ जाती है, लेकिन फिर भी हम एक आम खातून के लिए यही रिकमेंड करेंगे अगर किसी खातून को अर्ली प्रेगनेंसी में पैरों पे सूजन आ रही है तो उसको डॉक्टर की ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। रात को सोते वक्त अगर किसी खातून का दम घुटता हो या सांस फूलता हो तो ये एक स्ट्रांग इंडिकेशन होती है कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट को और गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। जी, तो ये बिल्कुल आपने डिटेल में बहुत अच्छा बताया। खवातीन अक्सर ये समझती हैं कि ये जो पाँव पे सूजन है ये तो प्रेगनेंसी की वजह से है, ये जो सांस फूल रहा है ये प्रेगनेंसी की वजह से है, तो वो इसको नॉर्मल कंसिडर करती हैं। वो ये नहीं समझती हैं कि ये जो सांस फूल रहा है या पाँव पे सूजन आ रही है या आंखों के गिर्द सोज हो रही है, चेहरा पफीनेस उसके ऊपर सोज आ रही है, तो प्रेगनेंसी के अलावा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए इनिशियली तो इनको गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, और अगर उनको गायनाकोलॉजिस्ट को उनका ब्लड प्रेशर हाई लगे या उनमें ये सिम्टम्स सीवियर लगे और एनीमिया भी ना हो, खून की कमी भी ना हो और उसकी डाइट भी अच्छी हो, प्रोटीन डाइट ले रही है, अंडा खा रही है, गोश्त खा रही है, फिर भी उसको स्वेलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली उसको रेफर करना चाहिए टू द कार्डियोलॉजिस्ट, और ताकि टाइमली डायग्नोज हो सके। क्योंकि आपने भी देखा होगा और मैंने तो बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, क्योंकि हमारे पास भावलपुर में पेरिफ्री से पेशेंट आते हैं, देहात से आते हैं, के एंड आखिरी दिन में पेशेंट आई है और लेबर पेन के साथ आई है और सांस नहीं आ रहा। अब जब वो आई है तो वो लेबर का एक स्ट्रेस अलग है कि जो दर्दें लगी हुई हैं, अब जब वो आ गई है इमरजेंसी में, तो अब जब हमने उसको देखा तो फौरन हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, हमको इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एक दो दफा एक दो केस ऐसे मैंने दिल से ला देने वाले देखे कि यानी कि अभी मरीज आई ही है, अभी हम उसको देख ही रहे हैं कि उसको दर्दें थी तेज आई, कि डिलीवरी का टाइम आ गया है, इन द मीन टाइम कार्डियोलॉजिस्ट को हमने कॉल की। अब कार्डियोलॉजिस्ट डिलीवरी रूम के बाहर बैठे वेट कर रहे हैं कि इनकी डिलीवरी से ये फारिग हो जाए, फिर हम पेशेंट देख लें। ड्यूरिंग डिलीवरी उसका सांस इतना उठा पेशेंट का कि वो रिवाइव नहीं कर सकी, यानी बेबी तो डिलीवर जी हो गया बिल्कुल लेकिन पेशेंट ना बच सकी। वो वाकया अभी तक मेरे जहन में ताजा है, ये चंद साल पहले की बात है। तो अब इस तरह का जो पेशेंट आता है वो एक एक्यूट एमरजेंसी में आता है, और वल्ला आलम, और कुछ पेशेंट जिनको कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, सडन जो है उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो अब इस तरह की जो एक्यूट एमरजेंसीज हैं डॉक्टर साहब, उनको डील करने के लिए कि हम माँ की और बच्चे की जान बचाने के लिए कैसे कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर रोशनी डालिए कि हम मजीद क्या एफर्ट्स कर सकते हैं कि हम जच्चा बच्चा की निगहदाश्त अच्छे तरीके से कर सकें, माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकें, इन केस ऑफ एमरजेंसी, जब वो लेबर पेंच के साथ आती है या वो टर्म पे आती है सी सेक्शन करवाने के लिए और अचानक से उसको सांस उखड़ता है, हम ईसीजी करवाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, अब हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, हमने डिलीवरी भी करवानी है और हमने ये दिल के मसले को भी हैंडल करना है, तो अब हम क्या करें? जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, और इसमें एक आम खातून के लिए जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम अलामात की सूरत में भी उनको समझा चुके हैं जो जो लोग भी देख रहे हैं, और दूसरा ये कि अभी जो बात आपने जो नुक्ता उठाया है डेफिनेटली इसमें टेक्निकल पॉइंट्स ज़्यादा हैं, और इसमें फिर वो चीज़ स्ट्रेस होती है कि ये अब इस लेवल पे खास तौर पे जहाँ पे आपके पास पेशेंट बिल्कुल डिलीवरी का टाइम एंड हो चुका है, सॉरी प्रेगनेंसी का टाइम एंड हो चुका है और डिलीवरी होनी है, और उसी वक्त खातून आपके पास पहली दफा प्रेजेंट कर रही है और साथ साथ उसका सांस भी फूल रहा है और ईसीजी में भी तब्दीलियां आ रही हैं और आपने उसकी डिलीवरी भी करनी है, और आप किसी किसी तौर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इसको किस तरह सेव किया जाए और इस एमरजेंसी से कैसे बाहर निकला जाए, तो डेफिनेटली ये वो टाइम है जहां पर टेक्निकली मैं बात करूं तो ये आप एक टीम इन्वॉल्वमेंट जिसको आप कहें कि प्रेगनेंसी एंड हार्ट केयर टीम जिसको आप कहें वो एक उसकी फुल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट जो बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उन उनको डेफिनेटली ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट लें या पर्टिकुलरली आप तो जाहिर सी बात है हमने और भी मामा
उनका ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट का जो कि इस फील्ड में या सब एरिया में इंटरेस्ट लेना चाहे, हमने उनके लिए आसान कर दिया है। एक बुक की सूरत में एक चीज प्रेजेंट कर दी, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट भी करते रहेंगे। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट, इसके अलावा एनेस्थीजियोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट एज वेल एज गायनाकोलॉजिस्ट, और इसके साथ साथ कार्डियक सर्जन, इन सब की इन्वॉल्वमेंट ऐसी स्टेज के ऊपर, तो डेफिनेटली ये एक फुल टीम एक पहले से कंस्टिट्यूटेड होनी चाहिए, और एक ऐसा कोई रैपिड अलर्ट सिस्टम हॉस्पिटल में होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मरीज आता है और गायनाकोलॉजिस्ट ये बात समझता या समझती है कि भाई इसको प्रेगनेंसी एंड हार्ट केयर टीम की अर्जेंट जरूरत है, तो तमाम ये जो मेंबर्स हैं उनको फौरी तौर पे एक मैसेज चला जाए, और सब के सब लोग बजाय आप उनको अलग अलग कॉल करें और वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंचे। और इसमें फिर जाहिर सी बात है इंटेंसिव केयर और एनेस्थेटिस्ट दोनों मिलकर पेशेंट को ये डिसाइड करें कि उसको वेंटिलेटर की कितनी नीड है, फिर उसको वेंटिलेटर पे डालना। मीन वाइल आप उधर गायनाकोलॉजिस्ट अपनी डिलीवरी का प्रोसीजर करें, और बेड साइड पे कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो उसकी एकोकार्डियोग्राफी करके उसके प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करे कि हार्ट का मसला एक्चुअली है क्या और उसकी सेवेरिटी कितनी है। और एट द सेम टाइम एनेस्थीजियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन जो है वो भी ऑन बोर्ड हों, और वो ये फैसला करें कि अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो उनको किस टाइप का एनेस्थीजिया देना है, और सर्जन जो है वो किस टाइप की सर्जरी उसको करनी है। तो ये फिर इस टाइम के ऊपर अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ही ऐसे पेशेंट की जान बचाने के लिए काम कर सकती है। डेफिनेटली ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी इस टाइम पे हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी लम्हे के ऊपर सारी चीजें अगर सामने आए तो बहुत बहुत चांस होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो सही तरीके से मैनेज ना हो पाए, तो इसमें फिर टेक्निकल डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं। जी, बहुत बहुत आपने अच्छा जवाब दिया कि ये एक टीम का काम है, ये एक अकेली जो डिलीवरी करने वाली डॉक्टर है उसका काम नहीं है, क्योंकि दिल की तकलीफ, फिर आगे सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, या एनेस्थीजिया देने की जरूरत पड़ सकती है, बेहोश करने की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड बैंक। तो ये एक एक कोलेबरेटिव एफर्ट है, टीम वर्क है, कि एक दिल की मरीज प्रेगनेंसी के साथ अगर आ गई है तो उसको कैसे फिट किया जाए कि उसकी डिलीवरी जो है सेफली हो सके, माँ और बच्चा दोनों की जान बचाई जा सके। और मेरा मिशन भी यही है कि मेटरनल मोर्टेलिटी को कैसे कम किया जाए। ये जितने हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ अवेयरनेस के मैं प्रोग्राम करती हूँ, उसमें मेरा फोकस भी यही होता है कि कैसे खवातीन को इस बात की आगाही दी जाए कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खास तौर पे प्रेगनेंसी में तो बहुत ख्याल रखना है, अपनी डॉक्टर को विजिट करना है, और अगर उनको कुछ अलामात ऐसे महसूस हो रही हैं तो वो भी अपनी डॉक्टर को सजेस्ट कर सकती है कि मेरा सांस फूल रहा है, डॉक्टर साहब आप मेरी ईसीजी करवा लें या मेरी दिल की पट्टी करवा लें, क्योंकि ये कोई अनहोनी या अचंभी बात नहीं है, अचंभे वाली बात नहीं है। आजकल ईसीजी के बारे में तो हर बंदा जानता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ बढ़ इतनी गई है, हर घर में एक फर्द मौजूद है जिसको ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफ है, और ईसीजी हर घर में हो रही होती है किसी ना किसी पेशेंट की। तो अगर प्रेगनेंसी में हम ईसीजी करवा लेते हैं तो लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद सेफ नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि क्या प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एक्सरे, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, ये टेस्ट हाई फाई करवा सकते हैं? और अगर हम ये करवाते हैं तो इसका बच्चे पर या माँ पर बुरा असर तो नहीं पड़ता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी बिल्कुल, बहुत वैलिड आपने क्वेश्चन उठाया है। इसमें आम लोगों के लिए दो चीज़ों को समझना बड़ा आसान है कि ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं, इनका बच्चे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ईसीजी की जो लीड्स हम लगा रहे होते हैं उसमें कोई ऐसी करंट टाइप या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि हम बाहर से पेशेंट को लगा रहे हों। तो डेफिनेटली ईसीजी सिर्फ ये काम करती है कि जो पेशेंट की अपनी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसी को ट्रेस करते करके पेपर के ऊपर, और हमें एक प्रॉपर जो उसकी शेप है उसमें हमें देती है ताकि हम दिल के प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकें अगर उनका ईसीजी पे कोई अलामत जाहिर हो रही है। तो दूसरा एकोकार्डियोग्राफी, वो भी इसी तरह सेफ है, तो उसके लिए आम खातून या आम किसी भी बंदे के लिए समझना इस तरह आसान है कि इकोकार्डियोग्राफी बिल्कुल उसी असूल के ऊपर काम करती है जिस तरह की अल्ट्रासाउंड काम करता है। तो अल्ट्रासाउंड जिस तरह प्रेगनेंसी में सेफ है, उसी तरह इकोकार्डियोग्राफी भी प्रेगनेंसी में कोई एडिशनल रिस्क नहीं काज करती। तो इसलिए ये दो इन्वेस्टिगेशन यानी ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी कोई भी खातून बगैर किसी झिझक के प्रेगनेंसी के दौरान
करा सकती है, उसको इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं कि उस इस प्रोसीजर से उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचेगा। हाँ, ये कि तीसरी जो चीज है उसमें जो टेक्निकल लोग हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो ऑपरेटर्स जो कि एक्सरे करने वाले हैं, तो एक्सरे एक ऐसी चीज है कि एक्सरे करना अव्वल तो उसकी नीड को सामने रखना चाहिए कि क्या बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरे करना, और अगर एक्सरे करना जरूरी हो तो फिर उसमें एब्डोमिनल लेड शील्डिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक्सरेज जो होती हैं वो कुछ हद तक बच्चे को डैमेज कर सकती हैं। डैमेज से मुराद डैमेज का मतलब ये बिल्कुल ना लिया जाए कि खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे को रेज से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए एब्डोमिनल लेड शील्डिंग जो है वो एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है कि उसमें आप खातून के जो पेट के सामने वो एक लेड की शील्ड रख देते हैं, और बाज़ोकात उसको एनसर्कल भी कर सकते हैं उसकी कमर और पेट के इर्द गिर्द। तो अगर एक्सरे करना बहुत जरूरी हो तो लेड शील्डिंग के जरिए हम बच्चे को हार्मफुल रेडिएशन से बचा सकते हैं। जी, तो ये अक्सर तो मेरे पास खवातीन ने इस वजह से भी नहीं आती कि उनके बड़े बूढ़ों ने बताया होता है कि अल्ट्रासाउंड भी ना करवाएं, क्योंकि इससे बच्चे को कोई श्वाएं लग जाती हैं और उन श्वाओं की वजह से बच्चे की ग्रोथ पे असर हो जाता है। तो ये मेरे जहन में भी ये बातें नहीं थी। जब मरीज आके सर इस किस्म की बातें पूछते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले बड़ी पढ़ी लिखी एक पेशेंट ने आके मुझे कहा, मैं आपको आप हैरान हो जाएंगे, एक डॉक्टर पेशेंट ने, कि जी मेरी जो सासू सही, माँ है वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड ना करवाना हाँ, तो वो अल्ट्रासाउंड नुकसान दे है। तो अब मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट, कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं, ये नुकसानदेह नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ मशीन लगवाना, चाहे वो इकोकार्डियोग्राफी की मशीन है, ईसीजी की मशीन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, हमारे यहाँ ये मिथ आम पाया जाता है कि जी पुराने जमाने में इसलिए बच्चे अच्छे पैदा होते थे क्योंकि अब ये मशीनें नहीं लगाई जाती थी अब जो हाँ, है मशीनें बिल्कुल लगाते हैं तो इसलिए बच्चे खराब हो जाते हैं। तो ये जो है ना, इस बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन को, इस मिथ को दूर करना बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मशीनें माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए ईजाद की गई हैं, और ये इतनी रिसर्च के बाद बनी है। अगर इनका कोई नुकसान होता तो जितने लोग अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, जितनी खवातीन ईसीजी करवा रही हैं या इको करवा रही हैं, उन सबको नुकसान होता। तो अगर उनको नुकसान नहीं होता तो जी फिर बिल्कुल आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो जी, अब हम आते हैं अपने इसकी तरफ कि प्रेगनेंसी में खातून ने अपने वो करवा लिए, टेस्ट भी करवा लिए, उसको पता चल गया कि उसको दिल की तकलीफ है। अब कुछ सर्टन हम दवाइयां देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिनको कि हमें बाद में शिफ्ट ओवर चेंज ओवर करना पड़ता है। सर, अक्सर खवातीन पूछती हैं मुझसे कि जी आप जो है ये जो दिल की जितनी भी दवाइयां हैं, एक तो ये कि क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, या जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो खून पतला करने के लिए हम गोलियां और टीके देते हैं, अक्सर खवातीन इससे बहुत भागती हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कभी कभी हमारा अकॉर्डिंग टू उसकी नेचर ऑफ डिजीज हमें क्लैक्सेन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की इस किस्म की थेरेपीज देनी पड़ती हैं। तो इंजेक्शन जो है वो पेशेंट के लिए बड़ा पेनफुल है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जान भी बहुत कीमती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे मरीज को काउंसिल किया जाए, उसको ये बात समझाई जाए कि उसकी बीमारी की नौईयत ये है कि हमें उसको खून पतला करने के लिए गोलियां या टीके देना जरूरी है। कैसे हम उसको इस तरफ लेके आए, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद ये इतने महंगे टीके, इतने महंगे इलाज, एक तो ये अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है, दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन भी है, तो वो इस चीज को अवॉइड करती हैं। तो आप इस पे रोशनी डालिए कि ये जो हम ब्लड थिनिंग एजेंट देते हैं, इनको देने के लिए पेशेंट को कैसे काउंसिल किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं क्लैम्पसिया की पेशेंट, IUGR बेबी की प्रीवियस हिस्ट्री हो, APLS हो, उनमें भी हमें देना पड़ते हैं। तो वो एक तो उसके लिए पेशेंट के लिए बड़ा ट्रामा होता है मेंटल, के मैं इतने टीके मतलब हफ्ते में 3 दिन प्रोफाइलेक्टिकली हम अगर डेली डोज देते हैं, तो आप कैसे पेशेंट को मनाते हैं इस बात पे, कैसे लेके आते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा वैलिड आपने क्वेश्चन उठाया है, ये टेक्निकली भी बहुत अहम है और आम खवातीन और हमला खवातीन के समझने के लिए भी बहुत अहम आपने बात की है। इसको अगर सादा अल्फाज में देखा जाए तो डेफिनेटली कोई भी जो ड्रग हम दे रहे होते हैं उसमें हम एक रिस्क और उसके बेनिफिट को बैलेंस कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली हम उसी वक्त कोई ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं कि जिस वक्त पेशेंट को उसका बेनिफिट ज्यादा हो बनिस्बत इसके कि उस पेशेंट को खुद और उसके बच्चे को वो ड्रग जो है वो कोई नुकसान पहुंचाए। तो अगर बेनिफिट हमें ज्यादा महसूस होता है
और बैलेंस जो है ओवरऑल वो बेनिफिट की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो तभी हम एक ऐसी दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को देते हैं जो कि उसकी डिजीज के लिए जरूरी होती है। दूसरी अहम चीज ये होती है कि बहुत सारी जो दवाएं हैं उनका जो बच्चे पर जिसको असर कहें, वो असर प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में, जिस वक्त पहले खासतौर पे 3 माह या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको आप बोलते हैं, तो इस टाइम के दौरान ज्यादा चांस होता है कि कोई भी दवा वो बच्चे पर इतना असर डाले कि उसमें कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या माजूरी जिसको आप कहेंगे वो पैदा हो जाए। इसके बाद हम बतौर डॉक्टर ये जानते हैं कि पहले 3 माह के बाद बच्चे के जो अज़ा हैं वो मुकम्मल तौर पर बन चुके होते हैं, और उसके बाद बच्चे की सिर्फ माँ के पेट के अंदर सिर्फ उसकी साइज में ग्रोथ होती है, साइज में बच्चा बढ़ता है और कोई नए अज़ा जो हैं वो डेवलप नहीं होते। तो इस वजह से बाद के टाइम में अगर कोई दवा ऐड की जा रही है तो उसका कम चांस है कि वो बच्चे को अफेक्ट करेगी। जहां तक खून पतला करने वाली दवाओं का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली वो भी हम उसी असूल के तहत ही दे रहे होते हैं जो असूल हमने पहले बताया कि अगर हम समझते हैं कि माँ को रिस्क इतना ज्यादा है कि अगर हम इस डिजीज को अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो ये उसकी जान ले लेगा, तो डेफिनेटली जान जाना बहुत ज्यादा रिस्की है बनिस्बत इसके कि हम ये देखें कि 1 to 2% या 3% रिस्क है कि वो बच्चे में ब्लीडिंग करवा दे या माँ को ब्लीडिंग करवा दे। तो डेफिनेटली जिस वक्त बेनिफिट ज्यादा होता है और रिस्क कम होता है, तो हम उसी वक्त खून पतला करने वाली दवा की तरफ जाएंगे। तो बाकी ये है कि कुछ चांस, जाहिर सी बात है दवा जो होती है वो मुझे अपने उस्ताद मोहतरम जो खुर्शीद साहब होते थे, प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी, उनकी कही हुई जी एक बात याद आ गई कि कोई भी दवा जो है वो साइड इफेक्ट से खाली नहीं होती, दवा जो है वो दो धारी तलवार होती है। तो साइड इफेक्ट्स 1 to 2% जरूर होते हैं, लेकिन डेफिनेटली जहाँ बेनिफिट 95% हो और साइड इफेक्ट्स 1 to 2% हो, तो डेफिनेटली हम बेनिफिट को देखेंगे, साइड इफेक्ट्स को फिर जरा हम कम जहन में रखेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल डॉक्टर जो प्रेस्क्राइबिंग डॉक्टर है वो तो उसको जहन में रखेगा, लेकिन ये चीज मेरे ख्याल में मरीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होनी चाहिए। सही सही बिल्कुल सर, ऐसा ही है क्योंकि इन साइड इफेक्ट को सोचकर मरीज जो हैं वो उस तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर अक्षरों के पीछे लिखा होता है कि दिल की नालियों, बंद नालियों को ऑपरेशन करवाने से पहले हमारे पास आइए, फलाना हकीम, ढिमकाना हकीम, तो फलानी होम्योपैथिक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ऐसे शानदार किस्म के कैप्शन लगे होते हैं रक्षों के पीछे, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं मेन रोड्स पे, चौकों पे, कि हमारी आम आवाम, भोली आवाम उन लोगों के पीछे चल पड़ती है, हजारों लाखों रुपए भी लुटाती है कि हम ऑपरेशन से बच जाएं, और आखिर में उनको करानी वही ऑपरेशन, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है या ये वेलुलर हार्ट रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। ऐसे आम सादा आवाम भोले भाले लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि अगर एक दफा डायग्नोज हो गया है कि ये प्रॉब्लम है और उसका इलाज सर्जरी है, तो उनको क्या करना चाहिए, कि ऐसे लोगों के पास जाकर टाइम वेस्ट करना चाहिए जो ये दावे बड़े बड़े करते हैं और आखिर में हमने आपने भी देखा होगा, मैंने भी अक्सर देखा है कि आखिर में फिर वही किस्टांट डाल रहे हैं या कोई हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। तो आप क्या इस बारे में कहेंगे? हाँ, उसमें आपने एक ये भी बड़ी अच्छी बात कही है। एक तो ये हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं और कुछ इसमें लोग जो हैं वो बहरूपीय बनकर कुछ रिलीजन का रूप धार के कोई दम की सूरत में भी कि भाई हम दम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये डेफिनेटली हमें भी ये प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली फेस करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे किसी यंग बंदे को, किसी यंग खातून को ये बताया जाए कि उसको वेल्व का मसला है और शदीद वेल तंग है या लीक कर रहा है, तो मेरे कैरियर में ऐसे भी केसेस आए हैं जो कि जिनको सर्जरी एडवाइस की तो उसके 3-4 महीने बाद मेरे पास वापस आए और मुझे कहा कि हमने एको दोबारा करानी है। तो मैंने कहा भाई क्यों एको दोबारा करानी है, तो कहते कि हमने एक पीर साहब से दम कराया है, तो उन्होंने कहा है कि अब आप जाके एको दोबारा करवाएं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो जाहिर सी बात है अब इसमें कोई बंदा जो है वो जाहिर सी बात है ये बात ऑन एयर जा रही है तो कोई गलत भी ना समझ ले, इसको मैं बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर लूँ कि हम भी मुसलमान हैं और अल्लाह ताला के कलाम के ऊपर बिल्कुल बिलीव करते हैं और 100% हम हमारा इस बात पे भरोसा है कि कलाम के अंदर शिफा है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि दम करने वाले की जबान के अंदर कितना असर है। जहां तक ऑर्गेनिक डिजीज का ताल्लुक है कि जो डिजीज जहां मौजूद है, तो एक बात जो बिल्कुल आम फहम सी है वो ये है कि दवा और दुआ दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, और दवा का जहां तक ताल्लुक है
तो फिर उसमें जो बातें आपने ऐड की कि वो किसी ऐसे बंदे के पास के पहले दिल की बांसुरियाने खुलवाने के लिए ऑपरेशन से पहले हमारे पास आए, तो इस तरह के लोगों के पास जाने की बजाय जो टेक्निकल लोग हैं और जो सही तरीके से उस मसले को हल कर सकते हैं, जो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको जो मरीज हैं उनको उन पे भरोसा करना चाहिए। ये डेफिनेटली फिर जो ओपिनियन देने वाला डॉक्टर है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और उसकी अपनी रिप्यूट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं और इसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो डेफिनेटली हमने ऐसे डॉक्टर्स भी अपने असातजा में देखे हैं कि वो जो बात एक बार कर देते हैं तो उनके जो पेशेंट्स हैं वो उनको उसी तरह फॉलो करते हैं जिस तरह के मुरीद अपने पीरों को फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली ये बात आ जाती है कि डॉक्टर के ऊपर पेशेंट का ट्रस्ट कितना है। और सिंपल सी बात यह है कि एक बार कोई पेशेंट जब एक डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि मैं इस कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करूंगा या इस गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करूंगा, तो उनको चाहिए कि उसकी बात के ऊपर एतबार करें। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपकी बेहतरी के लिए ही काम कर रहे होते हैं और आपको वही मशवरा दे रहे होते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं ये काम करूं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं ये काम ना करूं। हम साइंस में ये पढ़ते हैं कि दिमाग हर चीज को कंट्रोल करती है, तो अब लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है, क्या कुछ चीजों को दिल भी कंट्रोल करता है? नहीं, खैर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं, शायद वो जिस चीज को दिल का नाम दे रहे हो सकता है कि वो उनकी दिमाग की ही फीलिंग्स हो जिसको वो दिल का नाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टेक्निकली आप भी बेहतर जानती हैं और मैं भी ये जानता हूँ कि सोचने समझने और फैसला करने का काम तो दिल का है, सॉरी दिमाग का है, तो दिमाग ही ये बात बताता है। हाँ, ये है कि हो सकता है लोगों को इसलिए ये बात फील होती हो कि दिल कह रहा है कि जब कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट आ जाए तो दिल अगर तेज धड़क रहा हो, एक तरफ सोचें तो दिल की धड़कन तेज हो जाए, दूसरी तरफ सोचें तो दिल ना धड़के, तो डेफिनेटली वो दिल की तरफ उस मामले को एट्रीब्यूट कर दें कि दिल ऐसे कह रहा है। लेकिन ये कि वो मेरे मेरा अपना जाती ख्याल यही है कि सारी चीजें तो माशाल्लाह ये सोचने समझने की सलाहियत कुदरत ने दिमाग के अंदर रखी है। बाकी दिमाग अगर किसी स्ट्रेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो डेफिनेटली ऐसे हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात हार्ट जो है वो तेज धड़कना और इस तरह के मामला होते हैं। तो डेफिनेटली शायद लोगों को ये लगता हो कि मामला जो है वो दिल से डील हो रहे हैं, तो शायद ऐसा होता हो, लेकिन मेरे थैंक यू इल्म में सो नहीं मच है। सर। अगर एक आपके इल्म लाइटर में ऐसा कुछ है नोट तो आप जरूर बैठिए। एक लाइटर नोट में हमने प्रोग्राम को अख्तितम करना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। और आखिर में आप जी बिल्कुल, एक दो बातें हमें बताएं, एक तो ये कि अगर भावलपुर, लोधरा और इसके पेरिफ्री में जितने भी हमारे लोग हैं जो दिल की तकलीफ के साथ हैं, खासतौर पर हामला खवातीन, उनके लिए आप अपना एक तो हमें एड्रेस बताइए जहाँ पे आप क्लिनिक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और अपना कोई लिंक दीजिए, कोई ईमेल एड्रेस, कोई नंबर या कोई इस तरह का जिसमें हम उसको आपके उसको इसमें शामिल कर सकें, इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम की, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। और आपने जो बुक लिखी है उसकी भी डिटेल दीजिए, क्योंकि दिल की किताब को पढ़ना हर किसी का शौक होता है। गो के ये शायरी की किताब नहीं है, ये वो वाली किताब नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत इंफॉर्मेशन है कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्ट डिजीज। तो जितनी मेरी डॉक्टर जो कोलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सुन रही हैं, वो सब बहुत इंटरेस्टेड होंगी, खासतौर पर गायनी से रिलेटेड इस किताब को पढ़ने में। तो हम इस किताब को कैसे खरीद सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें बताइए। और लास्ट में हमारी जो ऑडियंस है उनको जो आप मैसेज देना चाहें वो भी दें, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है ऊपर, तो उसके बाद हम इजाजत लें। जी बिल्कुल, बहुत आपने एंड पे जो है बड़े टेक्निकल पॉइंट्स उठाए हैं। एक तो ये कि मेरा क्लिनिक का एड्रेस बहुत ही सादा सा है, 1 यूनिट चौक के साथ रफी कमर रोड पर वेल प्लस फार्मेसी के पीछे मेरा क्लिनिक है, हार्ट क्लिनिक के नाम से। मैं यहाँ पर सही रोजाना शाम को क्लिनिक करता हूँ। 1B सही के इसका एड्रेस है, बिहाइंड वेल प्लस फार्मेसी। दूसरा क्लिनिक का जो फोन नंबर है वो भी मैं बोल देता हूँ, उसको फिर आप ऐड कर दीजिएगा। वो है 0334-680-8978। जी, तो ये मेरे क्लिनिक का नंबर है, 0334 जी 0334-680-8978। तो इस पर ये कोई अपॉइंटमेंट भी के लिए पेशेंट नंबर है जो है सर? तो आप जी
ये नंबर अपॉइंटमेंट के लिए है? जी अपॉइंटमेंट के लिए, जी अपॉइंटमेंट के लिए है। और अगर किसी पेशेंट को बिलफर्ज जो पेशेंट हमसे होके जाते हैं और उनको किसी मामले में रहनुमाई की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली इसी नंबर के ऊपर मैं क्लिनिक आवर्स में उनकी रहनुमाई भी कर देता हूँ। तो बाकी जहाँ तक बुक का ताल्लुक है, तो ये शायद अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये मेरी बुक है, मैनेजमेंट ऑफ जी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इन प्रेगनेंसी। तो ये पैरामाउंट पब्लिशर्स ने पब्लिश की है कराची में, और पैरामाउंट पब्लिशर्स की जो फेसबुक पेज है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक डॉक्टर कोलीग्स का ताल्लुक है, तो अगर उनको किसी को प्रोवाइड करनी है, बल्कि अगर बहुत सारे लोगों को भी इवन प्रोवाइड करनी है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक खुली ऑफर मौजूद है कि आप मुझे बताइएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में बुक्स चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, बशर्ते कि लोग इसको, जिसको कहते हैं कि मुफ्त दी हुई चीज़ की कीमत नहीं होती, तो लोग इसको जो है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना समझें। हाँ, उन्हीं लोगों को हम ये तोहफा दें जो कि इसको दिल से पढ़ना भी चाहते हो। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर मौजूद है, आप मुझे हुक्म करेंगी तो मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ ये बुक्स एक बल्क में भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। और आम जो हमारे ऑडियंस हैं उनको आप दिल का ख्याल रखने के लिए क्या एडवाइस करेंगे? हाँ बिल्कुल, एक तो जनरल लोगों के लिए एहतियात है कि अपने, जिस तरह मैं प्रोग्राम के शुरू में भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में यह है कि खुद को एक्टिव रखें, रोजाना जी का अपना एक्टिविटी का टाइम निकालें, और एक जी फिक्स टाइम, क्योंकि लोगों के अक्सर लोगों के जहनों में ये बात होती है कि हम जो रोजाना इधर से उधर चल रहे हैं, अपने काम की रूटीन के दौरान थोड़ा बहुत हिलजुल रहे हैं, तो वही एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है, एक्टिविटी के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए, 40 to 45 मिनट्स वॉक डेली चाहिए। तो सही ये अपने आप को एक्टिव रखें। दूसरा, अपना वजन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करें नॉर्मल लिमिट्स के अंदर। और तीसरी बात, अपनी डाइट को हेल्दी रखें, जिस तरह मैं पहले एड्रेस कर चुका हूँ कि उसमें जंक फूड्स, गोश्त की आइटम कम, फ्रेश फ्रूट और सब्जियां, और फ्रेश जूसेस, डब्बे वाले जूस नहीं, फ्रेश जूस जो आप खुद बनाते हैं वो फ्रेश जी जूसेस जी ज्यादा। और इसके अलावा अपने स्लीप हैबिट्स को वो नॉर्मलाइज करें, रात के जो नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स हैं उनमें 6 से 8 घंटे की नॉर्मल नींद लें। और दूसरा यह है कि अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, कि जो गैर जरूरी किस्म की चीजें लोगों ने अपने जहनों के ऊपर सवार कर रखी हैं उनको अपने जहन से उतारें। और बाकी जहाँ पे जो अनअवॉइडेबल स्ट्रेस है, तो उसको मैनेज करना सीखें कि ताकि उसके जिस्म के ऊपर असरात कम से कम हो। बाकी जो खवातीन, जो खासतौर पे हमला खवातीन, और जिनको पहले से मालूम है कि उनको दिल का मसला है, या वो खवातीन जिनको ऐसी अलामत आ रही हैं जिनका मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, या कोई ऐसी सस्पिशियस अलामत जो जो उनको लगे कि दिल से मुतालिक हो सकती हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली एक कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। और जहाँ तक आपने दिल का ख्याल रखने की बात की, तो आज का मेरा हेल्थ एंड फिटनेस चैलेंज स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं तकरीबन 20-21 वीडियोस बना चुकी हूँ कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखें, एक्टिव कैसे रहें, कौन सी डाइट इस्तेमाल करें। तो अगर वो लोग जो आज जिन्होंने पहली बार मेरा पेज देखा है और पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोज देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जैनब मलिक के नाम से, और यही वीडियोस मैं अक्सर फेसबुक पे भी पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन यूट्यूब में एक पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है। और मेरा भी यही मोटो है कि खवातीन और हजरात दोनों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो फिर दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। सो यही मैसेज है सबके लिए कि अपना और अपने दिल का खास ख्याल रखें, इससे आलूदा होने से बचाइए। ना सिर्फ इसमें दोनों तरह की आलूगी शामिल है, अपने जहन को भी साफ रखिए। सोशल मीडिया के बुरे असरात से बचने के लिए पॉजिटिव कंटेंट को देखिए, अच्छे कंटेंट को देखिए, वरना सो जाइए। थैंक यू सो मच, इस जी उम्मीद के बिल्कुल, साथ कि आप लोग इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे। मुझे मेरे मेहमान के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज।